हेलो दोस्तों, मेरा नाम उमेर। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी ऐसी कैसे कहा जाता है कि कहानी जो होती है वो 7 साल का बच्चा भी एंजॉय करता है और 60 साल का बच्चा भी एंजॉय करता है। सो आई होप ये कहानी आप भी एंजॉय करोगे। सो कहानी है अकबर और बीरबल की। एक दिन ऐसा आता है जब अकबर बीरबल के साथ में शिकार पर निकल रहा होता है। अकबर ऐसे अपनी तलवार निकालता है, तलवार निकालते निकालते उसके अंगूठे पे चोट लग जाती है। चोट बहुत गहरी होती है। अकबर चिल्लाता है, उई माँ, सैनिक, वैद्य को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ, मुझे लगा है, वैद्य को बुलाओ। उधर से बिरबल भी आ रहा होता है, बिरबल के साथ निकलना है अकबर को। अब बिरबल बोलता है, महाराज इट्स ओके, रिलैक्स, हो जाता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर इधर चिल्ला रहे, बौखला चुका है अकबर, इतना जोर से उसका पूरा खून बह रहा है, अंगूठा कटा हुआ है, उसको तीर कमान से शिकार कर रहे हैं, अभी वो पकड़ नहीं पाएगा, कुछ नहीं होगा। एंड वो बोल रहे, इसको लेके जाओ यार, इसको कोड़े लगाओ, इसको फांसी दे दो। अकबर गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में बोल देता है। सैनिक उनको तो समझ में नहीं आने वाला क्या हो रहा है, वो ऐसे लेके जाते हैं उसको। एंड बिरबल को रात भर कोड़े लगाते हैं, सुबह में फांसी देने वाले। अकबर इधर शिकार पे, अकबर इधर शिकार पे, उसको शिकार करने नहीं आ रहा है। और होता है जब वो घने जंगलों के बीच होता है, अचानक उसके ऊपर एक आदिवासियों का ग्रुप अटैक कर देता है। अब अकबर का पहला ही हाथ इंजर्ड है, वो खुद को बचा नहीं पाता। एंड उसको पकड़ के वो लोग लेके जाते हैं, और उनके जो से वो देवी देवता होते हैं आदिवासी लोगों के, वो उनके सामने से उसको लटकाते हैं, बलि देने के लिए उसको लटकाते हैं। और उसके आजू बाजू में डांस कर रहे होते हैं, जिंगा लाला हुक हुक, जिंगा लाला हुक हुक ऐसे। उतने में एक की नजर पड़ती है, एक आदिवासी की नाश्ते नजर नजर पड़ती है उसके अंगूठे पे। उसके अंगूठे से अभी भी खून निकल रहा होता है, क्योंकि उनकी झड़प हो चुकी होती है बीच में। सो अंगूठे से खून निकलता है, वो आदिवासी चिल्ला रहा है, सरदार रुकिए 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 रुकिए, हम इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते, ये अशुद्ध है। सरदार बोलता है, क्यों? इसके अंगूठे से खून बह रहा है। अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, जाने दो, कैंसर कैंसर बलि कैंसर। सारी पार्टी उधर स्टॉप हो जाती है। अकबर दौड़ा दौड़ा जाता है, चिल्ला रहा होता है, बीरबल बीरबल बीरबल, एकदम रुआसा हो चुका है अकबर। सामने बीरबल को फांसी लगने वाली है। बीरबल ने अकबर को देखा, पता चला बीरबल को कि अकबर रो रहा है। बीरबल स्माइल कर रहा है देख के, उनको रुको रुको सैनिक रुको। बीरबल को लाके सॉरी बोलता है अकबर, मैं कितना बुरा आदमी हूँ, मैंने तुमने बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरी जान बच गई वगैरह वगैरह, मैंने तुझे ऐसा ही बोल दिया, रात भर तुमने मार खाया मेरी वजह से, अभी सुबह तुझे फांसी लगने वाली है, अगर मैं थोड़ा भी लेट आ जाता तेरी जान चली जाती और मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता, सॉरी बीरबल। बीरबल बोलता है, महाराज रिलैक्स, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो अब कैसे तू बोल रहा है भाई अच्छे के लिए होता है, तेरी जान जाने वाली थी, मैं अगर 1 सेकंड लेट हो जाता तो तू अभी लटकने वाला था, एंड तू कैसे बोलता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो बीरबल बोलता है, महाराज अगर आपने मुझे ऐसा नहीं बोला होता है ना, आप मुझे ऐसे ही लेके जाते आपके साथ में, तो वो आपको तो छोड़ देते पर मेरे को चढ़ा देते। ऐसे करके दोनों हंसते हैं, सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है। एंड कहीं ना कहीं ये ऐसे छोटे मोटे हादसे हमारी जिंदगी में भी चलते ही रहते हैं, क्योंकि जिंदगी एक सफर है सुहाना। एंड सफर में चलना भी है, रुकना भी है, हंसना भी है, रोना भी है, पाना भी है, खोना भी है, और हंसाना भी है, रुलाना भी है। तो जितने भी लाइफ में इंसिडेंट्स आए, अच्छे हो बुरे हो, उन सबको बस फेस करिए और इतना ध्यान में रखिए, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होने वाला है अच्छे के लिए होने वाला है। एंड आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छे ही होगा। धन्यवाद।